चलो तो प्रोबेबिलिटी के लिए अभी क्या ध्यान देना अपने को। तो अगर मैंने सिंपल सी बात है, अगर मैंने डाई थ्रो किया है तो मेरे टोटल आउटकम कितने आएंगे? दिमाग में एकदम तुरंत बैठ जाना चाहिए, 6 आउटकम आएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक ही करके हमारे एक्सपेरिमेंट पे। तो पहला एक्सपेरिमेंट मतलब पहला हमारे इवेंट, पहला इवेंट क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या बोला है? ऑड नंबर। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, देखो पी, सबसे पहले बता दो टोटल नंबर और आउटकम कितने हैं। सब लोग टाइप कर देंगे फटाफट, बोलेगा नहीं कोई, टाइप करेंगे सब लोग। गुड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। वेरी गुड, आया ना? ओके ओके ओके। उसके बाद अभी क्या होगा? हाँ, यहाँ पे ब्लू कलर तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर पे जाएंगे। ओके मिल गया। चलो तो अभी सबसे पहले मैंने लिखा ऑड नंबर, तो मैं लिखूंगा पी ब्रैकेट में ऑड। लेकिन मैं ऑड लिखने से पहले, अभी देखो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा है तो मैं यहाँ पे पहले तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, वो सब कुछ मतलब हम लोग लिखने का तरीका देख रहे हैं कि कैसे लिखने वाले। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको किसको पता है ऑड नंबर्स क्या होते सर? हैं? एमी मी, एमी मी, एमी मी, ओनली एमी मी। बोलो विजय, ऑड नंबर। सर 1 3 5 7 6। ओके मैं, लेकिन देखो तुम्हें ऑड नंबर बोला या कुछ भी बोला, तुम्हें तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है ये पूरा, तुम इसके बाहर सैंपल स्पेस के बाहर नहीं बोल सकते। तो विजय इसके अंदर कौन कौन से ऑड नंबर है? 1 3 5 वन थ्री और फाइव। अरे समझा कि नहीं समझा? सबको समझा सर। सिंपल एकदम। गुड, यस सर, अब पी यस सर। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑड, ऑड नंबर। तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबसे पहले, इसके पहले लिखना अपने को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला किसको याद है? सर मी चलो मैं पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके चलो, तो दीप बोलेगा। बोलो दीप। वेरी गुड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना, ये है हमारा फॉर्मूला। तो मैंने अगर पहला मेरा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, और ऑड नंबर मैंने वहां पे लिख लिए थे, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा ऑड नंबर की? मेरे पास बताओ ऑड नंबर कितने हैं? तीन। कौन कौन से तीन थे? कौन तीन कौन से तीन थे? 1 3 5। 1 3 5। वेरी गुड। 1 3 5। ओके टाइप करते रहेंगे सब लोग। 3 अपॉन टोटल नंबर आउटकम कितने हैं? 6 6। टाइप करेंगे, टाइप अरमान अर्चना टाइप करेंगे। चलो तो 3 के टेबल में 6 जाता है क्या? आता है सर। सुनता ही नहीं है लड़का तू, तो टाइप करना यस या नो में। ओके गुड, तो क्या होगा? 3 1 जा और 3 2 जा। हाँ है ना, सिंपल एकदम। गुड चलो, अब ये ऑड हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा, प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। हाँ है ना, क्या बोला है? प्राइम नंबर आने की प्रायोरिटी, तो किसको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एम ई मी। गुड, वेरी गुड, ऐसा बोल लेगा एम ई मी। चलो अरमान बोलेगा। बोला अरमान। यस सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी नहीं डिवाइड होते, वो खुद से डिवाइड होते हैं, और 1 से बस। एग्जांपल बोलो फटाफट जल्दी जल्दी, इसके अंदर से ही बोलना। 1 3 5 7। इसके अंदर तो 1 3 5। 1 2 3 5। 1 2 3 5। सब लोग बोलो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट, टाइप करेंगे सब लोग।
करेक्ट है इनकरेक्ट? ओम बोलता है यस, दीक्षा बोलते है यस, ओके। और राइट है, राइट है, करेक्ट है, करेक्ट है, क्या बात है, करेक्ट है, क्या बात है, ओके। यस तेरे भी बोले यस, ओके। अपना फैज कहाँ है? फैज सो रहा है क्या? फैज, ओ फैज, फैज गया क्या, सो गया क्या हो फैज? आवाज आ रही कि नहीं? सॉल्यूशन सॉल्यूशन देगा। चलो फैज, करेक्ट है कि इनकरेक्ट, जल्दी बोलो। अरमान ने बोला करेक्ट है। करेक्ट है, ओके। तो आजाद आप सब लोग, आप सब लोग, आप सब लोग क्या हो? इधर देखो, मैंने लिखा ऊपर कुछ। कैसे आप सबके सब, सबसे पूछा मैंने और सब बोल रहे हो, है ना? ओ रिद्धि, रेस्ट्रिक्शन अपने पास, 7 कहाँ से ले रही हो? 7 तो है नहीं यहाँ पे। सबके सब रॉन्ग है ये प्राइम नंबर बताने के लिए। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अरे 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट। अरे सिखाया था कि नहीं सिखाया था? नाम खराब कर रहे यार तुम लोग, भूल गए तुम लोग, बताया था ना, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, बताया था कि नहीं बताया था? मैं बोला ना, मैं कितने बार भी बताऊं तुम लोग ये भूल जाओगे, है ना? कैसे, कब याद करना अपने को? हाँ अरे याद है, दिमाग में बैठा लेना है कि 1 ना ही प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में, तो हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब बताओ, अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी का अगर तुम लोग ने एक बार फॉर्मूला लिख लिया है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही बार फॉर्मूला लिखना है एक सम के लिए, ठीक है ना? लेकिन फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले का ना 0.5 मार्क्स होता है, तो वो कंपलसरी है, ठीक है ना? है ना? यस सर। हाँ, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, चाहे आपको सम नहीं आ रहा लेकिन फॉर्मूला लिखना है। हाँ या ना, ये दिमाग में बैठा के रखो अपने अपने को 0.5 मार्क्स जाने नहीं देना है कुछ भी करके, और सम तो आएगा ही आएगा फिर तो। हाँ या ना, प्रोबेबिलिटी बहुत चिंदी है। चलो प्राइम नंबर, तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्राइम नंबर कितने हैं देखो, फेवरेबल प्राइम नंबर है, प्राइम कितने हैं? 3 है, क्यों? 2, 3, 5 आए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? सिक्स। टाइप करेंगे, चलो 3 1 3 2, तो प्रायोरिटी क्या हो गई? 1/2। अरे समझा कि नहीं समझा? अरे समझा, सिंपल सर चिंदी, गुड। बहुत चीज चलो आगे, अभी कोई भूलेगा क्या 1 प्राइम है कि नहीं है? नहीं बोलेंगे सर। नहीं बोलेंगे ना, गुड है ना? अच्छा, ये आवाज जिसको ऐसा क्लियर नहीं जा रही, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी मैंने स्टार्ट किया है तो ये बीच में से ही रिकॉर्ड हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, और मैंने जो सम से चालू किया है वही से तो चालू किया, तो टेंशन नहीं है, ठीक है ना? ओके ओके, अभी यस रिकॉर्डिंग मैंने सर। स्टार्ट किया, तो उसका टेंशन, मतलब स्टार्टिंग का वो कुछ है, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ा था और क्या होती है प्रायोरिटी उसके बारे में पढ़ा था, तो वही मिस होगा अगर जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, तो ठीक है ना? डोंट टेक टेंशन, मैं रिकॉर्ड भेज रहा हूँ। आगे थर्ड वाला बोला है मोर देन 3, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है? मोर देन 3, है ना? तो थर्ड वाला पूछा मोर देन 3, तो मोर देन 3 नंबर्स कितने हैं, कौन कौन बता सकता है? एम ई मी लिखेंगे, एम ई मी, अरे बोलेंगे नहीं लिखेंगे, लुत्फुनिशा बोलो, लुत्फुनिशा आगे बोलना भी। बोलो, लुत्फुनिशा बोलना नहीं लिखना है, बोलो। मोर देन 3 के कौन का नंबर है बोलो तो? 4, 5, 6, सब लोग बोलो, लुत्फुनिशा ने बराबर बोला या नहीं बोला? सही है ना, गुड। यस सर। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाए, चलो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3, यस सर। मोर देन 3,
तो कितने मोर देन थ्री नंबर? अपना फॉर्मूला किसको याद है? किसको याद है फॉर्मूला? हाँ रॉनिक बोलेगा, बोलो रॉनिक। रॉनिक हाँ बोलो। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बताओ? थ्री। वेरी गुड। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? सिक्स। वेरी गुड। तो थ्री के टेबल में कटेगा कितना आएगा? थ्री वन जा थ्री टू जा, तो प्रायोरिटी क्या होगी? वन अपॉइंट टू। सिंपल एकदम। ओके गुड। अब वहां पे तीन ही क्वेश्चन दिया था मैंने, अब मैं चौथा खुद से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना? जब हाँ दिया सर। दिया सब कुछ मैंने ही है, तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अभी चौथा। चौथा मैं लिख रहा हूँ। मोर देन, और ये तुम लोग लिखोगे ना उसका आंसर अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक में, इसको लिखना। इसके पहले अभी तक जो लिखा है अभी तक लिखना नहीं, उसको स्पेस छोड़ के रखना अपना, ठीक है ना? तो मोर देन टू, इसकी प्रायोरिटी बताएंगे सब लोग। टाइप लिखेंगे फटाफट और आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। नहीं, लिखना है तुम लोगों को, खुद ही लिखना है। मोर देन टू वाला लिखो जल्दी जल्दी, 1 मिनट में आंसर बताना है, प्रोबेबिलिटी का आंसर बताना है 1 मिनट के अंदर। क्या बात है, अरमान का आ गया? क्या है प्रोबेबिलिटी का आंसर? बस पहुंच ही गए सर। आंसर लिख ही दिया सबने। देखा मैंने। लिख दिया सर। दिखाओ। तो आया सबका? गुड, करेक्ट है। वही मेरे साथ लिख रहा है लड़के, फैज नहीं लिखना है, लिखना नहीं मेरे साथ। चलो मोर देन टू वाले कौन कौन से नंबर है? टू आएगा क्या उसके अंदर? बोलो 2 3 4 5 6। टू आएगा क्या? वेरी गुड। टू नहीं आएगा। आया ना? गुड। अब मोर देन टू लिख रहा हूं मैं, मोर देन टू। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सब लोग फेवरेबल आउटकम टाइप करेंगे, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम? कितने हैं? चार। वेरी गुड लिथुनिशा, गुड। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम टाइप करेंगे सिक्स। वेरी गुड। दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? कौन से टेबल में जाएंगे दोनों? अरे बोलना नहीं है, टाइप करना है। टू अपॉन थ्री, तो आंसर कितना आया? 2/3। समझा कि समझा? चिंदी एकदम एकदम ना। चलो अब तुम्हें ना मैं कुछ क्वेश्चन करवा लेता हूँ, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है 15.1, ठीक है ना? अच्छा, मैं तुम्हें उससे पहले भी एक चीज मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे तुम्हें सिखाने के लिए, वो है ये कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का आंसर होगा है ना, वो कभी भी 1 या 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 या उससे बड़ा होगा। प्रायोरिटी कभी भी क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब कभी भी आंसर, हमारा प्रायोरिटी का आंसर क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? सबसे पहले तुम्हारे आंसर के लिए, क्या कि अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आंसर, यहाँ पे मैं तुम्हें ना 4 ऑप्शन देता हूँ, इसमें से तुम्हें बताना कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है? ओके तो मैं ए ऑप्शन लिख रहा हूँ, तो हमारे पास 0.2, दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 1.3, तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 5/6, और चौथा ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 0.5। तुम लोग को बताना इसमें से कौन सा रॉन्ग है, सब लोग टाइप करेंगे
वन टू थ्री फोर में से कौन सा रॉन्ग है, टाइप करेंगे, कोई बोलेगा नहीं कौन सा रॉन्ग है। सेकेंड रॉन्ग है कि थर्ड रॉन्ग है कि फोर्थ रॉन्ग है? मुझे समझ नहीं आया। हाँ मैं सब इसीलिए तो मैंने दिया ही है। गुड, सेकेंड वाला रॉन्ग है क्योंकि मैंने क्या बोला है कि मेरा कोई भी ये प्रोबेबिलिटी होगा ना, प्रोबेबिलिटी उसका आंसर जीरो से वन के बीच में होगा। अब जीरो से वन के बीच में मतलब, अब जीरो से वन के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो 0.99 तक हो सकता है ना। यहाँ पे जीरो पॉइंट में जो आंसर होंगे ना, या जीरो में या वन तक, उतना ही आंसर होगा। लेकिन ये जो 1.3 है, ये वन से बड़ा हो गया ना। लुत्फुनिशा, जो वन है, 1.3 है, वन से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यस yes, तो जो भी वन से बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अरे समझा कि समझा? हाँ, अब ये 5/6 को तुम डिवाइड करोगी ना, तो वो इसी के अंदर आएगा, इसी के बीच में। समझे समझा? ओके, तो ये मैंने क्या बताइए, एमसीक्यू के लिए तुम्हें काम आएगा। और मैं तुम्हें बताऊ तो वो सम से अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हमारी प्रोबेबिलिटी कब जीरो आएगी और कब वन आएगी, ये भी मैं बता देता हूँ। अभी ध्यान से देखेंगे सब लोग, किसमें बताएंगे हम लोग, जो अभी सम कर रहे थे ये वाला, इसमें बताएंगे, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसको 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 हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। उसको कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? आपके साथ क्या आपके साथ लिखना नहीं है? नहीं लिखना नहीं है। चलो इधर देखेंगे सब लोग, देखो ध्यान से, अब लोग सम नहीं करेंगे लेकिन अभी दिमाग में एकदम भर लेना सब कुछ, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ जरा, इसका एकदम सिंपल सा प्रोबेबिलिटी पूछूंगा मैं। कितना तक हो गया हमारा? फोर तक हो गया था, फिफ्थ वाला मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मोर देन सिक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, मोर देन सिक्स कौन बता सकता है? एमएमई लिखो, एमएमई। गुड, अरे जीरो नहीं आंसर थोड़ी बोलना है, बताओ मोर देन सिक्स नंबर है क्या? सबसे पहले मोर देन सिक्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कुछ भी? नहीं, तो मतलब ये खाली रहेगा, है ना। तो अगर मैं, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है मोर देन सिक्स की, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास डाइज में सिर्फ छह ही नंबर है, छह से ज्यादा तो है नहीं, तो हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो जीरो, और टोटल नंबर आउटकम क्या हो जाएगा? सिक्स। तो जीरो पर सिक्स का आंसर कितना आएगा? जीरो। जानते हो, जानते हो, अगर अगर किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस इवेंट को, उस इवेंट को बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट बोलते हैं उसको? इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हो ही नहीं सकता ना। अरे बोलो, है ना, डाइस में तुम लोग छह से ज्यादा नंबर ला सकते हो क्या? नहीं, आया ना। तो अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी जीरो आ रहा है, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। समझा कि नहीं समझा? ओके, गुड, ओके। अब फिफ्थ के बाद सिक्स, ये तुम्हारे टेंथ में, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ, अब भूलना नहीं सब लोग कि इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं। अरे समझा कि समझा? चलो सिक्स में जो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन सेवन, मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, मेरा क्या आना चाहिए लेस देन सेवन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कौन बता सकता है? एमी मी लिखना है, एमी मी, एमी मी लिखेंगे सब। एमी मी गुड। अर्चना बोलेगी, अर्चना बताओ सेवन से कम वाले नंबर कौन कौन से? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सबके सब सेवन से कम है कि नहीं है? हाँ है ना। तो अभी इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू, प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ लेस देन सेवन की, लेस देन सेवन, सेवन है ना। तो बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? सिक्स। टोटल नंबर आउटकम कितना है? सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? वन। तो एक और चीज याद रखना, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वन आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग श्योर और सर्टेन इवेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? श्योर और सर्टेन इवेंट, ठीक है ना। तो मैं ये क्यों बता रहा था कि आपको याद रखना है कि आपके कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा या तो वन या वन से कम होगा या जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से वन के बीच में होगा। अरे समझा कि नहीं समझा? सिंपल एकदम, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना कि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो से वन के बीच में। समझा सबको? ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये सब सम हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके। और इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा नहीं आया है क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जितना हुआ जहाँ से हम लोग को सम समझना था वहां से हो चुका है। तो जिसको भी देखना रहेगा वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है ना। मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ओके चलो, तो अभी बाय बाय बोलेंगे। बाय बाय।